सिगरेट देख रहे हैं। चंद दिन पहले मैं एक लड़के से मिला जो कि फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, और उसने मुझे कहा कि सर मेरा रिटन पास हो जाता है, मैं वाइवा में उड़ जाता हूँ। मैंने जब उससे थोड़ी सी हिस्ट्री ली तो उसका कहना था कि सारा साल बुक्स को खोल के भी नहीं देखता, लेकिन आखिरी माह में सिगरेट और उसकी बुक्स ये उसका मेन साथी होती हैं। इन दिनों वो एक ही कमरे में बैठ के 8-8 दिन एक ही जगह पे बैठ के पूरी पूरी बुक को ख़त्म कर सकता है। ये उसके जो है ना चंद एक पॉइंट्स थे। और उसका कहना था कि मुझे रोटी कोई मिले ना मिले, सिगरेट मेरी पूरी होनी चाहिए। बात करते करते मैंने नोट किया कि उसके जर्की मूवमेंट्स थी उसकी बॉडी के, इस तरह कर रहा था बार बार, इस तरह सर को हिला रहा था, उसको कभी मसल की ट्विचिंग हो रही थी। और जब मैंने थोड़ा सा फील किया तो उसको तो उसके अंदर से तंबाकू की अजीब सी स्मेल आ रही थी, हालांकि उसने अच्छा खासा ड्यूटेंट यूज़ किया हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे पता चल जाया करता है अगर कोई पेशेंट नशा करके आए या फिर स्मोकर हो ना, तो अगर वो झूठ भी बोल रहा हो एक डॉक्टर को सूंघ के पता चल जाना चाहिए, इतनी आपकी नेजल्स कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप हिस्ट्री के दौरान अगर पेशेंट झूठ भी बोल रहा है तो आप उसको किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं। तो लड़के का मेन पॉइंट यही था कि सर एक सिगरेट जो है ना वो मेरा प्रॉफ पास करवाती है हर साल, लेकिन उसको हमेशा वाइवा में मसला होता है, वाइवा के लिए क्या करे। तो मैंने तो उसे यही कहा कि ईजी कम ईजी गो, अगर आपने, क्योंकि हमें पता है कि सिगरेट के अंदर निकोटीन होती है और ये निकोटीन आपके सिंपथेटिक गेंगलिया और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको एक्टिवेट करती है। आपने शायद फार्मा में पढ़ा हो कि एसिटाइल कोलिन, निकोटीनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स वो एक्टिवेशन हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी के अंदर ही जब वो एक ही किताब को 8 दिन में मुखाएगा, बजाय उसके कि अगर किसी दूसरे स्टूडेंट ने उसी बुक के ऊपर 1 महीना लगाया हुआ है, तो फ़र्क तो पड़ेगा। ईजी कम ईजी गो वाला फार्मूला समझ आ रहा है मेरा। तो इस तरह अगर ये सिगरेट पी के तुम प्रॉफ पास कर भी लोगे तो आगे तुम्हारा नॉलेज किधर से आएगा, क्योंकि वो जिस तरह तुम्हारा नॉलेज 8 दिनों में आया था वो 8 घंटों में निकल जाएगा, ये तो हकीकत बात है। हाँ, तुमने एग्जाम तक उसको रिटेन कर लिया किसी तरीके दोबारा सिगरेट पी के तो वो आपके ऊपर है, लेकिन उसके बाद वो कभी परमानेंट नहीं रहेगा। तो मेरी तमाम उन स्टूडेंट से गुजारिश है जो कि प्रॉफ के दिनों में नशे का यूज़ करते हैं और चंद दिनों के अंदर पास करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को दबाव होने से बचाएं प्लीज़। एक तो आपके लंग्स वो तो जाएंगे जाएंगे, साथ में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ वो टॉप के ऊपर आपकी पड़ी हुई है, ठीक है। और मैं कोई नशा नहीं करता तो ये वैसे ही जलाई हुई है वीडियो के लिए। तो आज मैं स्पेशल ये 15 रुपये की सिगरेट लेके आया, कैप्टन सिगरेट। मैंने कहा यार मैंने वीडियो बनानी है तो मुझे सिगरेट लेके चाहिए। तो इस तरह के नशों से बचना है, एम्फिटामिन से बचना है, क्योंकि ये आपको रैपिड तो कुछ ना कुछ रिजल्ट शायद दे दें, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अगर वो आया था तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दिल के मसाइल, फेफड़ों के मसाइल और बहुत से और भी इश्यूज जो है ना वो इसकी वजह से हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरी यही गुजारिश है कि प्रॉफ के डेज में मेहनत करो, पास पेपर को अच्छे से कर लो, ठीक है, हो जाया करेगा सिगरेट के बगैर भी। इन दिनों में अपनी सेहत तबाह कर ली तो आगे लाइफ टाइम जो है ना वो नहीं होगा। कुछ गर्ल्स भी मैंने देखी हैं जो कि नशे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही थी, अब और ये मोस्टली मैंने चंद प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर देखा है। तो जब तक दिखा के बंदे को ना समझाया जाए तब तक वो समझ नहीं आती। तो खुदा का वास्ता इस तरह के नशों से आपने बचना और खुद के ऊपर भरोसा करो, ठीक है। No, yeah.